अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग फ्रेंड्स। मैं जब ऊपर आया हुआ था, मैं मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ आज मेरा, पता नहीं क्या हुआ। कल ठीक थे, आज देखा तो आई ये दोनों मरे पड़े। ये तो चलो ठीक है, थोड़ा सा बीमार थी, ये पता नहीं क्या हुआ अचानक ही मर गया, समझ नहीं आई कुछ। बाकी अंदर जाके बाकी भी देखते हैं, बाकी ठीक हैं कि नहीं। अब फिलहाल मैं यही देखते हैं, बाकी नहीं देखते हैं। बाकी फिलहाल अभी ठीक लग रहे हैं, जल्दी ये भी ठीक है सारे। इस पिंजरे में था वो अल्बाइनो, पता नहीं क्या हो। मैं कल सोच ही रहा था कि इसका पेड़ लगाऊं किसी के साथ, पेड़ लगा के इसे रखता हूँ अलग पिंजरे में, इसे ब्रीड वगैरह लेते हैं। अचानक पता नहीं क्या होगा, मेरी समझ ही नहीं आ रही। बाकी माशाल्लाह ठीक है। बाकी मुझे गड़बड़ लग रही थी ना कि वो मर जाएगी, वो अभी तक माशाल्लाह ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी है, ये वाली अल्बाइनो। ये थोड़ी बीमार है, इनके इसकी जो है सीप वगैरह जो है निकली हुई है, सीप निकली हुई है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो जो अल्लाह को मंजूर था, लेकिन ये मरे पड़े हैं। चलो जो अल्लाह को मंजूर था, क्योंकि सारे आज कल लोग कते शुरू हो, क्या आप चैनल बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मैं अब डालता हूँ बाजा, क्योंकि छोटा भाई था वो पानी वगैरह डाल के चला गया, मैं अपना बाजा डालता हूँ। बाजा डाल के आपको फिर मिलते हैं। माफी जो बच्चे निकले हुए थे वो भी देख लेते हैं। दो बच्चे तंदुरुस्त है, मैं फिर एक मर गया, तीन बच्चे थे एक मर गया उनमें से, वो दो रह गए। तो भी एक हफ्ते देर तक ना फेल कर रहे हैं। ये बैठा हुआ है, वो निकाल रहा है, उसकी वीडियो वगैरह बना कर आज कुछ खेल करते हैं, कोशिश करने का आज कुछ खेल करते हैं। खेल करके कुछ नया पढ़ लाएंगे या नई कोई चीज़ लाने की कोशिश करेंगे, पाया वगैरह भी अगर दूर होगी तो सेल करके से वो भी ले आएंगे। उसकी माशाल्लाह सारे तंदुरुस्त है, पता नहीं क्या हुआ उसे, अचानक ही मर गया है, समझ ही नहीं आ रही मेरे कुछ बुरी हुआ क्या उसे। बाकी तो ठीक है माशाल्लाह, बाकी तो भी देख लेते हैं कि ये भी अंडे ख़राब हो गए। फिर मैं मेरे ख्याल इसके भी अंडे खराब हो गए होंगे, तकरीबन बाकी वगैरह हुई हैं खराब हो गई होंगे। बाकी माशाल्लाह सारे तंदुरुस्त हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बस ये भी ठीक है, ये पेड़ भी ठीक है, बाकी माशाल्लाह तंदुरुस्त है। वो भी ठीक था, पता नहीं यार से हुआ क्या, समझ नहीं आ रही है। इस केज में था वो इनके साथ, समझ नहीं आ रही, समझ से भाई लगा फिर हुआ क्या। बाकी जो अलग मंजूर, बाकी चलते हैं नीचे, देखते हैं कि क्या सीन है नीचे भी। यार अब सीन इस तरह है कि मैं जो बाढ़ में मरा था ना, उसका मैं पोस्टमार्टम करवाने के लिए चला हूँ, वो ले लिया हमने, शॉपर में डाल लिया, पता तो चले मरा क्यों है, वो अचानक ही मर गया। अब उसका कुरा अगर कोई बीमारी वगैरह आई हुई पता चल जाएगा पोस्टमार्टम से, अगर बीमारी होगी तो फिर इसकी वैक्सीनेशन होगी बर्ड की, सारी कर देंगे। अब चलते हैं उसके पास, डॉक्टर के पास, उसके पोस्टमार्टम करवा के रहते हैं। ये जा रहा मेरे साथ, अब चलते हैं, फिर आपको उसकी दुकान पर जाकर मिलते हैं। ये इस दुकान पर दे दिया बर्ड, अब चलते हैं घर, भाई को इनके बर्थ में बता देगा पोस्टमार्टम करके क्या मसला बना था, ठीक है। आप चलते हैं घर, घर जाके मिलते हैं। या जो उन्हें बर्ड लिया था पर उसके पोस्टमार्टम के लिए उसकी रिपोर्ट आई है, वो कह रहा था लाइफ इन्फेक्शन था, जो उसकी आंतें होती है वो भी सूजी पड़ी थी, अच्छा हो गया, वो कह रहा था आपने पोस्टमार्टम करा लिया ताकि आपको पता चल गया कि कौन सा जो इन्फेक्शन है या वायरस है आपके शरीर में आया। उसने कुछ मेडिसिन वगैरह बताई हैं, ठीक है, अपने बर्ड को वो देनी है मैंने अब सुबह इंशाल्लाह। आप भाई को मैंने कह दिया ले आएगा,
सुबह वो डालेंगे और फिर बर्ड को मॉनिटर करेंगे क्या सिस्टम है। अभी क्या था यार, मेरे पर मोर्टैलिटी बहुत कम बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो है बर्ड भी अचानक मर जाता था, कोई पता भी नहीं चलता था। मैंने कराया, मेरे पास पहले बहुत मरे हैं बर्ड, इसलिए मैंने करवाया पोस्टमार्टम। मैं एक बार देख सही क्या होता क्या है, क्यों मर रहे हैं, इसलिए मैंने पोस्टमार्टम कराया। अब पता चल गया कोलाई कोई इन्फेक्शन है वो हो रहे हैं बर्ड को। अब उनको जो मेडिसिन में सबको जो है वैक्सीनेशन वगैरह जो उनकी होती है डिवॉर्मिंग वगैरह वो करवाते हैं, और आपको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे साथ साथ। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, साथ में बेल आइकन दबाइएगा। आज का ब्लॉग जो है इधर ही खत्म करते हैं, फिर नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। अपना अपने घर को खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।